आज का शुभ संदेश व्यवहार निश्चय धर्म। दो जगत है हमारे सामने, एक तो जगत जिसमें हम जीते हैं, पांच इंद्रियों से सारी दुनिया को देखते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, मन वचन काया की सारी क्रिया करते हैं, ये व्यवहार जगत है। ये व्यवहार जगत हम पीछे से लेकर के आते हैं, मन वचन काया की बैटरियां चार्ज करके लाते हैं और इस जन्म के अंदर डिस्चार्ज होती है सारी, वो सारा व्यवहार जगत है। वो डिस्चार्ज ऑटो मोड से चलता है, उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है, एक सांस भी अतिरिक्त देने की स्वतंत्रता नहीं है। तो उससे हमें मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि जब स्वतंत्रता नहीं है तो उससे जुड़ेंगे तो क्या होगा कि राग द्वेष का जो व्यवहार जगत है, नया राग द्वेष नया कॉजल बॉडी को और बढ़ाएगा, उससे नुकसान होगा। तो मन वचन काया तथा से जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरत निष्ठा कुदरत द्वारा संचालित यह व्यवहार जगत का निश्चय जगत है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जो भीतरी जगत में हम जाते हैं, हम दृष्टि विज्ञान करते हैं और हम जो है वो आत्मा के स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा से जुड़ जाते हैं, यानी हम चिंतन करते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। कैसी शुद्ध आत्मा? जो ज्ञाता है दृष्टा है, जो अनंत ज्ञान वाला अनंत दर्शन वाला अनंत शक्ति वाला अनंत सुख का धाम है, उसकी आप भजना करो, उसका आप निरीक्षण करो, परीक्षण करो, इंट्रोस्पेक्शन करो और उसकी अनुभूति करो। यानी शरीर के एक एक कण के अंदर, खून के एक एक कतरे में, एक एक कोशिका के अंदर आपको जो है प्रीति की जागृति से अनुभव बनाना है, एहसास करना है कि मैं पूरा शरीर शुद्ध आत्मा मैं है, यानी मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, जो जड़ शरीर है वो अलग है, मैं अलग हूँ, भेद विज्ञान करना, अलग अलग रहने की अनुभूति करना है। ये जो जो हमारी अनुभूति जो है आगे से आगे बढ़ती जाएगी, निश्चय धर्म निश्चय जगत है और बहुत ही पावरफुल होगा। हमें व्यवहार जगत और निश्चय जगत, व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म का सामंजस्य बिठाना।